आयुक्त दीपक रावत और डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने हल्द्वानी के बैल बसानी से पटवाडांगर तक 25 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर तक पीएमजीएसवाई द्वारा बनाए जा रहे मोटर मार्ग का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। नैनीताल जाने के लिए यह रास्ता काफी उपयोगी साबित होगा, जिससे जिला प्रशासन वैकल्पिक मार्ग के रूप में देख रहा है, क्योंकि पर्यटन सीजन में पर्यटकों को नैनीताल जाने के लिए कालाडूंगी और काट गोदाम से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में इस सड़क के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ट्रैफिक का बढ़ता दबाव भी कम होगा। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा, 2012 में सड़क अलग अलग पार्ट में स्वीकृत हुई है, जिसमें वन विभाग द्वारा कुछ आपत्तियां थी, जिसके चलते सड़क निर्माण में देरी हो गई, लेकिन अब एक बार फिर से तेजी के साथ काम शुरू हो चुका है। सड़क मार्ग में 4 पुल निर्माणाधीन है, जिनका काम अभी चल रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। निर्माण कार्य जून तक पूरा करना है और उसके बाद डामरीकरण का काम किया जाएगा। कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि सड़क बनने से इस रूट पर पर्यटकों की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। देखिए, बहुत पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेकर इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन है, कहीं प्रीवेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेज हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। उसके बाद कुछ हिस्सों में आपके क्रॉस ड्रेनेज के वर्क्स बचे हुए हैं, जिनकी डेडलाइन मई 15 तय की गई है, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपके जो G3 के काम है और उसके बाद डामरीकरण के वर्क्स हैं, इनको करना तय हुआ है, और बाय दी एंड ऑफ अक्टूबर तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वैकल्पिक तौर पे जब हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे जून 30 के बाद, तो इसे हम विकल्प के रूप में एज ए इमरजेंसी रूट यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने बताया, इसकी फ़ायदा सबसे बड़े तो ये है कि एक तो ये गाँव कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरा ये भी है कि नैनीताल में जो दबाव है लिमिटेड रूट्स का, उससे हमें निजात मिलेगी, और बहुत खूबसूरत रूट है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट टूरिज्म को लेके, होम स्टेज को लेके या प्राइवेट रिसॉर्ट्स को लेके भी होने जा रहा है, क्योंकि ये एक रिच बेल्ट है, बर्डिंग के हिसाब से रिच बेल्ट है, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से रिच बेल्ट है, तो कुल मिला के पोटेंशियल इसका बहुत अच्छा है। सर, मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है, टावर की मांग की ग्रामीणों ने। आपने सही कहा, अभी जिन रस्तों से हम गुजरे हैं, अभी बानना में भी, नायसेला में भी ग्रामीणों ने कहा है कि कनेक्टिविटी नहीं, हमने खुद भी महसूस किया। तो इसमें जो भी हमारी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, उन सबकी हम मीटिंग बुला कर जल्दी उन्हें कहेंगे कि यहाँ पे एक टावर स्थापित करें। थैंक यू।